नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आज हम सब भारतीय अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व से मना रहे हैं। हर साल यह दिन हम अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए मनाते हैं। स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं। 1857 से लेकर 1947 को स्वर्ण युग माना जाता है। इस बीच जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें जितनी भक्ति और मातृभावना दिखी है उतनी आज तक कभी भी नहीं दिखी है। आज उसका नितांत अभाव हो गया। उस समय के वीर स्वतंत्रता सेनानी महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई, क्रांतिकारी वीरांगना बेगम हजरत महल, समाज सेविका सावित्रीबाई फुले, शांति के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक, जांबाज शहीद भगत सिंह, स्वतंत्रता सेनानी एवं कवियत्री सरोजनी नायडू, निर्भीक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद आदि वीरों ने अगर अपना आराम गैर जरूरी जरूरतों परिजन के प्यार को त्यागा न होता तो आज हम स्वतंत्र न होते। शत-शत नमन है ऐसे क्रांतिकारियों को, शत-शत नमन है ऐसे रणबांकुरों को जिन्होंने हमें आजाद हिंद तोहफे में दिया। लड़ाई के दौरान देश का बच्चा बच्चा अपने मन में आजाद भारत का सपना लिए रहता। बड़े बूढ़े भी अपने परिवार के हर सदस्य को प्रोत्साहित करते थे कि आजादी के जंग में शरीक होने के लिए। तब कहीं जाकर हमें 200 साल बाद ये आजाद देश मिला। समय है जागेगा। इतने परिश्रम और बलिदानों से मिली हुई स्वतंत्रता को बनाए रखने का उसी जोश और कठिन प्रण से कुछ अति आवश्यक बदलाव लाने का। यह तो हम सब जानते हैं कि प्रण, सख्त कदम और आत्मसंयम के बिना कोई कार्य मुमकिन नहीं होता। आज फिर इतने वर्षों बाद हमें एक सुधार की जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है। हर बच्चे के मन में अपने देश को आजाद और आत्मनिर्भर बनाए रखने के सपने को उजागर करने की जरूरत है। बड़े बदलाव के लिए उस देश की शिक्षा और युवा पीढ़ी का सजग और मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ये बदलाव आ सकता है देश की शिक्षा प्रणाली में कुछ अहम सुधार लाने से, गांव और अविकसित क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन देने से, गैर जरूरी चीजों के इस्तेमाल का त्याग करने से, स्वदेशी चीजों का भरपूर इस्तेमाल करने से। आइए आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर हम सब अपने देश को एक नई नीति और दृढ़ संकल्प से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाए रखने का प्रण लें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।